प्रधानमंत्री जी आप अध्यक्ष महोदय श्री दिलीप सिंह जी जीवदेव के त्याग पत्र पर मैंने जो वक्तव्य दिया था उस पर कल दिन भर चर्चा होती रही है। मैंने अपने वक्तव्य में किसी का नाम नहीं लिया था। जूदेव के अलावा किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चर्चा में बहुत से नाम लिए गए। अब मुझे उनका भी स्पर्श करना पड़ेगा। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है कि मेरे ऊपर दोहरे मापदंड का आरोप किया गया है। कौन सा दोहरा मापदंड? कौन सी कसौटी? क्या फिर पर्दे के पीछे से जोगी आपको झांकते हुए दिखाई नहीं देते? अगर आरोप का अर्थ यह है कि कार्रवाई जोगी के मामले में तो तत्काल हुई, लेकिन जूदेव के मामले में देर लग रही है, ये ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जोगी जी का जो मामला है उसको सदन अच्छी तरह से समझ ले। विस्तार से तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जोगी जी पर दो मामले हैं। एक में तो मैं स्वयं लिप्त हूं, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और उसके साथ एक जाली दस्तावेज भेजा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार के विजिलेंस ऑफिसर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और प्रमाण में उन्होंने एक दस्तावेज एक कागज भेजा था जो बाद में दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस बारे में मुझसे बात नहीं की। पत्र का मैं उत्तर दे सकता इसका भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस के सेंट्रल ऑफिस में हुई जिसमें वो उन्होंने पत्र दे दिया। वो मुख्यमंत्री थे। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के या इंटेलिजेंस एजेंसियों के किन्हीं अफसरों के खिलाफ उन्हें शिकायत थी तो वो मुझसे कह सकते थे, प्रधान या सोनिया जी से कह सकते थे, सारे तथ्य सामने आ जाते। लेकिन एक प्रचार करने का फैसला उन्होंने कर लिया था और यहां से ये शुरू ही कहानी। अब जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि जूदेव पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो रही है। देर का कोई सवाल नहीं है, जांच की एक प्रक्रिया है। अगर शिकायत आती है तो पहले उसकी जांच पड़ताल होती है, प्रारंभिक जांच पड़ताल। उदाहरण के लिए अगर एक कैसेट मिला है और कैसेट में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं तो वो आरोप कहाँ तक ठीक हैं, उसके लिए किस व्यक्ति को दंड दिया जाए, ये सवाल तो बाद में तय होगा। लेकिन जांच करने वाली एजेंसी ये जरूर पता लगाएगी कि ये कैसेट कहाँ से आया है, इसके पीछे किसकी, इसके पीछे कौन है। अब जहां तक जूदेव का सवाल है, जो आरोप छपे हैं उनकी शिकायत किसी व्यक्ति ने नहीं की। जो आरोप लगे हैं उनकी शिकायत सीबीआई को भी उनकी जानकारी समाचार पत्रों से मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले समाचार छापा,
इंडियन एक्सप्रेस से पूछा गया कि ये समाचार आपको कहां से मिला, उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, या हमें मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कहां से आया। ये दूसरा तरीका था ये कहने का कि नहीं बताएंगे, हो सकता है न मालूम हो, लेकिन न मालूम हो और फिर भी छाप दिया तब तो समाचार पत्र पर गंभीर आरोप लगता है जो मैं लगाना नहीं चाहता। अब जो बताया गया है नाम का पता नहीं है, किसकी शिकायत है, कोई शिकायत करता नहीं है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। जूदेव के मामले में धन दिया गया, किसने दिया, कितना दिया, धन दिया गया ये तो उसमें दिखाई देता है, मगर वो कैसेट भी बहुत धुंधला है। हमने उसको कई बार देखने की कोशिश की कि ये दाता कौन है और इसकी जांच जरूरी है। मेरा निवेदन इतना ही है, कहना इतना ही है कि इसकी जांच जरूरी है। जब सब चीज धुंधली है तो उसको साफ करना आवश्यक है, इसलिए सीबीआई जांच कर रही है। इस संबंध में और कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किसने धन दिया यह भी पता नहीं है, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, खोज जारी है। जिसने दिया उसकी तो पहचान है। अभी इस मामले में अभी आरोपी की शिकायत होने वाली है। अच्छा, नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार निवारण नियम के अधिनियम के अंतर्गत मामला लिया गया है। उत्तर के बाद तो मैं परमिशन लूंगा, तो ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर धन किस लिए दिया। हाँ, क्योंकि आज मैं एडवोकेट का काम कर रहा हूँ। With all your support, you cannot be. आप जानते हैं, आप वेरी अनकंफर्टेबल है। केस की परीक्षा लोगों में जाकर हो चुकी है और फैसला आपके खिलाफ हो गया। सचमुच में ये बड़ी गंभीर बात है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था कि आखिर छत्तीसगढ़ में जहां जूदेव को लपेटने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया और अभी जिसकी जांच हो रही है, सच्चाई सामने आना बाकी है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमारी इतनी विजय हुई, आपको समझ में आया क्यों हुई? क्योंकि आप विश्वास खो चुके हैं और जूदेव में अभी भी लोगों का विश्वास बाकी है। एक सेकंड, सर, एज ही इज इल्डिंग, डोंट क्वेश्चन हिम। यस, यू कैन। आई एम अनलेसली रिक्वेस्टिंग। ही हैज यील्डेड। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड द इंक्वायरी इज ऑन। नेचुरली ही हैज नॉट सेड द इंक्वायरी शुड बी इन ए पर्टिकुलर मैनर। वी आर ऑब्लिगेटेड टू हिम दैट इंक्वायरी शुड, बट इफ द प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ सर्टिफिकेट to the person against the people of the state. I was very politely making that offer. If certificate देने का मेरा मंशा होता, बाजपाई जी आप जानते हैं, हम लोग आपको बहुत आदर करते हैं। शांति बनाइए, त्याग पत्र मैंने मांगा है, शांति बनाइए। सार्वजनिक रूप से मांगा है जूते से त्याग पत्र।
in a political victory that seems that whatever allegation was against Mr. Judeo, people have rejected it. And the Prime Minister is saying that obviously will have effect on the CBI. Yes. That's your point. प्रधानमंत्री जी, सोमनाथ जी एक कुशल वकील की तरह से मेरे तर्क को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने जुदेव की जैसे ही खबर मिली, मैंने उनको कहा इस्तीफा देने के लिए, कहा उन्होंने दे दिया। काहे इसीलिए, हाँ ये पूछ रहे हैं आप, क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे और हमने कहा कि जब तक जाँच नहीं होगी। Prime Minister completely. When you were all speaking, wait, sit down. The Prime Minister is on his X. He has a right to speak. If you don't agree with his argument, you can argue your case by someone using some other device. Wait. ये तरीका अच्छा नहीं है। प्लीज बैठिए सुमन विभाग जी, मैं खड़ा हूँ, आपको बैठना पड़ेगा। रामजी विभाग जी, प्लीज, क्योंकि प्रधानमंत्री इज ऑन हिज एक्स, गेट हिम कंप्लीट हिज रिप्लाई, एंड आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज रिप्लाई, इफ आई फाइंड दैट देयर इज अ क्वेश्चन नेसेसरी, आई डेफिनेटली परमिट। यस, यू कैन प्लीज सिट डाउन, प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। मेरा किसी को प्रमाण पत्र देने का इरादा नहीं है। जुदेव के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच हो रही है और जब तक वो उन आरोपों से मुक्त नहीं होते तब तक उन पर आरोप कायम रहेंगे। आखिर सारे त्याग पत्र का आधार ही है। रक्षा मंत्री के त्याग पत्र का क्या आधार? उनको आपके हमले की जरूरत नहीं है। सीबीआई को ये देखना होगा कि फॉरेंसिक परीक्षा के बाद कौन से तथ्य प्रकट होते हैं, उसके बाद फिर केस दर्ज किया जाएगा। केस अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अब कहा जा रहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की क्यों है, क्योंकि तथ्य नहीं पता है। राहुल कौन है, कहाँ है, उसने इसको धन दिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसमें कहाँ से इन्वॉल्व हो गई, ये कौन सी कंपनी है, इसने बदले में कौन सा अनुग्रह प्राप्त किया, ये सब पता लगाना पड़ेगा। जो कुछ हो, अगर रुपया लगाने, शांति बनाइए, अगर कोई और आरोप है तो उसको उस लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। एक बात का लेकर मुझे बहुत खेद है, सीबीआई पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं 50 साल से पार्लियामेंट में हूं, सरकारें बदली हैं, सीबीआई अपने कर्तव्य का पालन करती रही है। देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान से जुड़ी हुई हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाहिए। किसी विशेष अवसर पर थोड़ी बहुत आलोचना, उसको सहन किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रारंभ यहीं से हो कि सीबीआई पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सीबीआई तथ्यों को इकट्ठा करेगी तो सही तथ्यों को इकट्ठा नहीं करेगी, सीबीआई पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये स्थिति ठीक नहीं है। क्या और कोई संस्था है जो ऊंची से ऊंची जाँच करे? क्या हम ऐसी संस्था बनाने को तैयार हैं?
क्या 50 साल के अनुभव पर पानी फिरना जरूरी हो गया है अब, इसलिए कि जो जिस समय जो परिस्थिति है वो आपके खिलाफ है। हमारे खिलाफ भी परिस्थिति गई थी और हमने भी CBI पर छींटे मारे हैं, लेकिन इस तरह का एक संगठित अभियान और इसको रोकना बहुत जरूरी है। एक पार्टी का सवाल नहीं है। कल आप फिर सत्ता में आ सकते हैं, उस समय आपको ऐसी एजेंसी चाहिए जो तथ्यों को इकट्ठा कर सके, जो सच्चाई को सामने ला सके। और इसलिए CBI को एक संस्था के रूप में निंदित करना ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये भी चर्चा हुई है कि इस मामले की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए। मैं कई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटियों का मेंबर रहा हूं, अध्यक्ष भी रहा हूं। आखिर यार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी सामग्री इकट्ठी करेगी, तथ्य इकट्ठे करेगी, कहां से करेगी, किससे बात करके करेगी, ये दायित्व तो किसको सौंपेगी? फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी CBI को बुलाएगी कि इस तरह के जो मामले हुए हैं इन पर जांच करो। हमारा जजमेंट कैसे होगा? और कमेटी के जजमेंट पर भी कितने मतभेद हो चुके हैं, ये सोमनाथ जी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कमेटी के अध्यक्ष थे और बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। छोड़िए, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। ये कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, कमेटी की आवश्यकता नहीं है, औचित्य नहीं है। हम सच्चाई का पता लगाने का प्रयत्न करें और जो प्रश्न हमारे यादव ने उठाया अंत में, इनके खाए घूमता है यार, ये क्या बात है? ये नहीं, हमने इतना अच्छा प्रशंसा किया, इतना उनके बधाई किया, जो अच्छा रुपया लिया होटल में जाके चुप से, ठीक नहीं है? क्या बात, जो आदमी जाके रुपया कहाँ से? दादा, आपको तथ्यों का पता नहीं है, घुमा है वहाँ? नहीं, हमने अरे हमारा दोस्त आडवाणी जी तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत अच्छा आदमी है ये। आप चुनाव के लिए उसको मैस्कॉट बना दिया, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इसका खिलाफ आरोप आए, आप उसको मैस्कॉट बना दिया। प्लीज प्लीज कोऑपरेट। यस प्रधानमंत्री जी, आपके अगर सोमनाथ जी आपने अगर ये सवाल उठाया है तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर देश में ऐसा वातावरण कैसे बना कि जिसमें उसको मैस्कॉट बनाया जा सका? सवाल है नहीं, बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और यहाँ डबल स्टैंडर्ड की बात आती है। डबल स्टैंडर्ड केवल एक तरफ से नहीं होता, सब तरफ से होता है। अपना जब सत्ता में, और जब हम सत्ता में नहीं था तब 30-32 साल हम लोग समझते कुछ समझते हैं वाजपेयी जी। ये सुमित नहीं, मेरा निवेदन ये है कि जो सोमनाथ जी अभी उत्तर सुनिए, वी एक्सपेक्ट सम डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अध्यक्ष महोदय, दो मित्रों का प्रश्न है, चुनाव के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है और इस चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखकर ये जरूरी है कि सब प्रमुख राजनीतिक दल इकट्ठे हों और इस बात पर विचार करें कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा हमारे कल्याण की दिशा नहीं है। क्या इसके लिए सब विचार करने के लिए तैयार हैं या अगले चुनाव का सोचेंगे? क्या चुनाव लड़ना और मर्यादाओं का पालन करना साथ साथ नहीं हो सकता? हो सकता है, एक तरफा कोई नहीं चाहता, दो तरफा चाहते हैं। और जो कांग्रेस के सदस्य ऐसे हैं कि जो इस गंभीरता को समझ रहे हैं उनसे हम ज्यादा आशा करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग अप क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। नहीं, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
प्रश्न नहीं. कॉलिंग अटेंशन नोटिस बाय श्री दया भाई पटेल. डिबेट इज ओवर. अनुमति दी जाए. मेरा अनुरोध है आपसे, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति चाहता हूं. प्रश्न का प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट डिबेट होने के बाद प्रश्न नहीं होते अध्यक्ष महोदय. प्रधानमंत्री जी ने अभी उत्तर दे मिस्टर दया भाई पटेल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनुमति दी जाए. प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, मैं अनुमति चाह रहा हूं आपसे. मुझे स्टेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कहते समय, उत्तर देते समय एक प्रति प्रश्न किया है, और वो एक महत्वपूर्ण प्रति प्रश्न ये किया है कि हमारी ओर से ये कहा गया था कल और विपक्ष की ओर से कि प्रधानमंत्री जी और सरकार दोहरे मापदंड इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने प्रश्न किया था कि दोहरे मापदंड कहाँ इस्तेमाल हुए. मैं इसी बारे में प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ. दो प्रकरण एक साथ हैं, एक तरफ जोगी का प्रकरण है, दूसरी तरफ जूदेव का प्रकरण है. एक मामले में 5 दिन के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए हुए तत्काल FIR दर्ज की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जूदेव के प्रकरण में जहां की टीवी के ऊपर वो स्पष्ट रूप से रुपया लेते हुए दिखाए गए हैं, वहां पर अभी तक 24 दिन बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है. प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर उसे लंबा खींचा जाता है, ये क्यों? एक और दूसरा, बस एक प्रश्न, दूसरा मापदंड ये है, दूसरा दोहरा मापदंड ये है कि एक तरफ आप ये जांच करना चाहते हैं. अब कितना लंबा प्रश्न पूछेंगे कि वहाँ पर ज्यादा लंबा प्रश्न इस स्टिंग ऑपरेशन को चलाने में, वही दूसरी ओर आपके ही अरुण जेटली ने, कानून मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने उप प्रधानमंत्री की जानकारी और सहमति से जोगी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चलाया था. उस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई अरुण जेटली और उप प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं की जा रही है? ये दो प्रश्न है, इनका उत्तर कृपया करके प्रधानमंत्री जी दीजिए. मैंने अपने भाषण में ये स्पष्ट कर दिया था, प्लीज सुनिए, कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं. जोगी के मामले में सब कुछ स्पष्ट था. जो रुपया दिया गया वो भी था, वो भी थाने में जमा हो गया. ये जूदेव के मामले में जो रुपया था वो कहाँ गया? वो जूदेव के पास बीजेपी का पार्टी फंड में गया. अध्यक्ष महोदय, पार्टी फंड में? हाँ, जब उनसे उनसे पूछा जाएगा वो बताएंगे, उन्हें बताना चाहिए, तथ्यों को सामने आना चाहिए. लेकिन जहाँ तक जोगी जी का मामला है उसमें किसी तरह का दुराव नहीं है. वो तो खुलकर खेल रहे थे.